आपसे सौहृदय आपको धन्यवाद देता हूँ कि पीड़ित लोगों की भरमार है, कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले साथियों ने बहुत जोश से हम लोगों की ऊर्जा, ये 6 महीने साल भर में ये तिनका बहुत विशाल रूप ले लेगी और लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा एक अपना समय दे रहे हैं, धीरे धीरे सब होगा। कभी कोई छोटा जैसे किसी आप लोगों के साथ है, जो आप लोगों का क्या होगा हम उसका आगे लेंगे। करना चाहूंगा कि आप सब लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर आए और आप सबने आपकी जो ऊर्जा थी वो मुझे 1500 किलोमीटर दूर चल के और आप लोगों की ऊर्जा मुझे खींच के यहाँ लाई। आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब आप लोग बैठे हैं, आप सबकी ऊर्जा है, उसी बदलत में बोला है, जो कुछ भी मैंने बोला है ये सब आपकी ताकत है, इस व्यक्ति की कोई भी ताकत नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है चंदन जी, गुड्डू जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने आके इस छोटे कस्बे में अगले बढ़ता है हमारे मोहम्मद साहब पुलिस प्रमुख मधेपुरा में खुल जाए तो हम समझते बहुत बड़ा ये प्रचार का केंद्र और लोगों को समस्या समाधान का इमीडिएट समाधान और उपाय मिल जाएगा। इसके प्रदेश अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सभी आमंत्रित पदाधिकारी महोदय को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन। चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर हम प्रथम बार बिहार में आए हुए हैं और बिहार की एक जो जमीन सरजमीन जो है वो एक आंदोलन के लिए जानी जाती है और यहाँ से जो ये जमीन है यहाँ से अमूल्य हीरे बिहार देश को दिए हैं। मैं उस जमीन पर आकर के इस संगठन को एक मजबूत स्तर से खड़ा करना चाहता हूँ और मैं इसी उद्देश्य से इस बिहार की सरजमीन पर आया हूँ और इस बिहार की सरजमी पर उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ जो इस बिहार के क्रांतिकारी आंदोलनकारी और बिहार की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। उन सबको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, इस ज़मीन पर खड़े होकर उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इसका प्रोसेस होता है, इसका एक पैटर्न होता है चलने का। अगर उस पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो आपको ये न्याय मिलेगा और आपका काम भी होगा। हमारे देश में नागरिकों को यही नहीं मालूम कि अगर हमारे साथ मानवाधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जाएं, जबकि हमारे साथ एक आम नागरिक के साथ मानवाधिकार का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खड़े हो सकते हैं, किसी दूसरे की सारे की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे लोग जागरूक न होने की वजह से ये सब उनके साथ हो रहा है। मानवाधिकार आयोग और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट ये संगठन है, वो एक आयोग है, वो एक सरकार द्वारा संचालित तो होता है। ये सभी मानव सेवा, समाज सेवा करने वाले लोगों के माध्यम से इसका संचालन होता है। बिहार के मधेपुरा पहुंचे और कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या बातें निकलकर सामने आ रही है, लोग आपसे मिल रहे हैं, जो स्थानीय लोग आपके कार्यक्रम में शिरकत किए हैं? इनसे बात निकल के यही आई है कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में जानकारियाँ नहीं है, इसीलिए उनका शोषण हो रहा है। पूरे 14 राज्यों में इस समय संगठन कार्यरत है, बिहार में भी हम हर ज़िले में एक प्रखंड स्तर तक ले जा रहे हैं और हर जगह हम उनको ये सुविधा उपलब्ध कराने की प्रयासरत हैं, क्योंकि अभी हमारा ये संगठन एक नया छोटा सा नन्ना मुन्ना पौधा सा तैयार है। इसको अभी हम सब लोग मिलकर संचित कर रहे हैं, इसमें खाद, बीज, पानी, हवा, धूप, पानी सबसे बचाने के लिए अभी हम सब लोग एकत्र हो रहे हैं। जिस दिन ये संगठन बनेगा उस दिन ये संगठन आम जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। उस अटल बिहारी बजाज राष्ट्रीय अध्यक्ष।